हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने सारे लॉकडाउन और लॉकडाउन से पहले मैंने जो भी स्केच बनाया उसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फाइल से। तो इस फाइल में मैंने 11th में बेसिकली स्केच बनाया था। तो जो इसके स्केच है ज़्यादातर अच्छे नहीं है, उतने अच्छे नहीं है। जो बेसिक है मुझे उतना आता नहीं था उस टाइम पर बनाना, तो मैं कुछ भी कैसे भी बनाता है, ड्रॉ व्रो करता था। तो आप देख सकते हैं कि इसके कैसे हैं, देख सकते हैं मैं कैसे मतलब बनाता था। यही सब है, गोकू वगैरह ये सब भी बनाता था। तो उस टाइम उतने अच्छे स्केचेस वगैरह नहीं थे, तो मैंने ज़्यादातर जो अपने ड्राइंग्स वगैरह वो मैंने लॉकडाउन में इम्प्रूव किया है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका जो स्किल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, आपका शेडिंग भी इम्प्रूव होगा। तो ये जितने भी मैंने ड्राइंग्स वगैरह है वो सारे मैंने लॉकडाउन में इम्प्रूव करें। तो देख सकते हो ये जो स्केच है ये भी मैंने लॉकडाउन में बनाया था, और ये फुल मैंने ग्रेफाइट से बनाया। उस समय मैं कैमलिन की पेंसिल यूज़ करता था। और ये भी मैंने कोरोना से लेके, ये शेप भी मैंने पोस्टर कलर से बनाया, कंप्लीट पोस्टर कलर से। तो देख सकते हो ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर उस टाइम ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब ज़्यादा ऑब्जर्वेशन वगैरह इम्प्रूव जाती है तो आपको थोड़ी थोड़ी कमियाँ भी, इसमें मैंने थोड़ा डिटेलिंग काम करा है। इसको भी मैंने कंप्लीट पोस्टर कलर से बनाया, तो आप देख सकते हो थोड़े बहुत डिटेलिंग। ये भी मैंने बहुत पहले बनाया था, स्टार्टिंग में ही बनाया था लॉकडाउन में। तो देख सकते हो जा डिटेलिंग ये ड्राइंग भी मैंने जो शिव जी का, ये भी कंप्लीट पोस्टर कलर से ही बनाया। और इसको भी एक बार तो मैंने बना कर छोड़ दिया था, उसके बाद थोड़ा एडिट वडिट करके फिर अच्छे से करा, तो अब जाके थोड़ा। और ये तो मैंने बहुत पहले ही बनाया था, 11th के स्टार्टिंग में ही बनाया था, तो इसलिए। और इसको मैंने बनाया था वो जो 20 रुपये वाले आते हैं ना कलर, कुछ कहते हैं उससे बनाया था जो। और ये भी, ये ड्राइंग भी मैंने, ये पेंटिंग सीनरी ये भी मैंने कंप्लीट पोस्टर कलर से ही बनाया। तो देख सकते हो पोस्टर कलर से भी ठीक अच्छा बन गया। और ये भी पोस्टर कलर से ही बनाया ये वाला भी। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारे लॉकडाउन में, और ये मैंने सौरभ जोशी के जो उसने क्रोकोडाइल बनाया था, सौरभ जोशी सर ने, तो उसी के इंस्पायर होकर मैंने ये बनाया था। और ये भी लॉकडाउन में ही मैंने स्केच बनाया था। डजना तमिल एक्टर है तो इनका भी। और ये शिव जी आप देख सकते हैं, ये भी मैंने लॉकडाउन में बनाया था। तो ये स्केच भी, ये शाओ मूवी को देख के मैंने पोस्टर बनाया था, ये भी लॉकडाउन में बनाया था, तो अच्छा लग रहा है। ये भी लॉकडाउन में करो ना। ये सौम्या पिकाचू इनका स्केच भी मैंने लॉकडाउन में बनाया था और टिकटॉक पर डाला था। कैरी मिनाटी भाई लॉकडाउन से पहले बनाया था, और ये स्केच भी मैंने लॉकडाउन में बनाया था। ये जितने भी मैं आपको अपने जो भी स्केचेस वगैरह जितने भी दिखा रहा हूँ ये सारे लिए खुद मैं हूँ, तो ये सारे मैंने लॉकडाउन में बनाए हैं। अब मैं आपको A4 साइज़ के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं अपने कुछ चारकोल जो A3 पे वर्क करें हैं, चारकोल वो चारकोल वाले ड्राइंग दिखाता हूँ। तो ये मेरा लेटेस्ट ड्राइंग है लव कपिल वाला, जो मैंने अभी वीडियो भी अपलोड करा है, ये भी कम्प्लीट चारकोल। और इसको मैंने उससे बनाए, क्या कहते हैं, सॉफ्ट पेस्टल कलर से। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगा था पर ये लुक अच्छा है। और ये कपिल वाली ड्राइंग आ गई, इसको मैंने चारकोल से बनाया है, कंप्लीट चारकोल है। ये एलिफेंट वाले में भी कंप्लीट चारकोल। और ये आप देख सकते हो ये मेरा अभी पेंडिंग है, अभी बना ही रहा हूँ ये वर्क। तो आपको कुछ एक ये दिखा देते हैं अपने इस फाइल में, मेरे सारे A4 के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिवाजी, सबसे पहले हम छत्रपति शिवाजी का स्केच देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, अच्छा लग रहा है। उसके बाद सुशांत सर का स्केच बनाया था जब उनकी डेथ हुई थी, तो वो स्केच है ये। फिर ये दिल बेचारा मूवी को देख के फिर मैंने एक और बनाया था, और फिर एक और बनाया सैड पोज को लेते हुए, ये भी सुशांत सर जी का। हाडी सिंधु का बनाया था, ये अभी लेटेस्ट बनाया। और ये जोकर, ये भी, ये मेरे छोटे मिनी मिनी स्केचेज जो मैं छोटे छोटे करता हूँ। तो आप देख सकते हैं साइज़ कितना है, ज़्यादा नहीं है, ये कुछ A5 है, कुछ तो बहुत छोटा है। ये मैंने, ये जो ड्राइंग है ये आई वाला, ये मैंने ट्रेन में बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हो सारे स्केचेस कंटिन्यूज आप देख सकते हो जो मैंने बनाया है, जो भी अभी तक करा है। ये बेबी, ये लेडीज, ये सर ज़्यादातर रेफरेंस जो पिक होते हैं वो सारे मैं इंस्टाग्राम वगैरह से ले लेता हूँ। तो इतने कुछ मैंने ड्राइंग बनाई है, कैप्टन अमेरिका, ये सब मैं टिकटॉक पर डालने के लिए बनाता था, पर टिकटॉक फिर बैन ही हो गया, किस्मत ही ख़राब थी। फिर ये देखो
ये ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर का है। ये मेरे दोस्त का है, उसके बर्थडे पे बनाया था। ये ख़राब हो गया, पेंसिल लाइन है गलती से चला दी। ये सारे मैंने, और ये भी टिकटॉक के लिए बनाया था, ये दोनों ड्राइंग भी तो आप जानते होंगे इनको। और ये भी विराट कोहली कभी स्केच बनाया, ये विराट कोहली। अभी ये ड्राइंग हनुमान जी का, धोनी, ये फ्रेंड बेबी, ये सारे फ्रेंड है तो उनके ड्राइंग भी मैं बनाता था। थाइनोस जो ये पोस्टर कलर से बनाया, पेंसिल कलर ट्राई करा है फर्स्ट टाइम इस पे। ये देख सकते हैं विवेक केसरी सर, हाइपर रियलिस्टिक स्केच, ये थोड़े मंडाला और हाइपर रियलिस्टिक है। और ये बाहुबली आई बनाया सिंधु। और ये सबसे पहले मेरा सबसे छोटा स्केच, मिनी स्केच। थैंक यू सो मच कर जगह।